चले तुम चलो बच्चों के लिए जो अपनी अग्नि अरे बच्चे को तो अपना नौकरी करने दो और अग्निपथ करें उनके बाप और वे घर के गांव के लोग। जय हिंद। तो ऑल मैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की कैंडिडेट हूँ। मैंने 2019 में भर्ती देखी थी, उसमें मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर था। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम था जो कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, अभी सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। सो सरकार से यही विनती है कि आप हमारा एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, अभी जैसा कि आपने एक छोटा सा वीडियो देखा राकेश टिकैत जी का, कल राकेश टिकैत जी से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने आंदोलन के बारे में जो कुछ पॉइंट बताए हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके अलावा एक छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया, एक CMP सेना पुलिस की कैंडिडेट है ये बच्ची, जिन्होंने ये वीडियो भेजा है, इनका भी बचा हुआ वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ ये वीडियो दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि अगर आपको आंदोलन को सफल बनाना है तो बच्चों को, उनके गार्जियनों को, जो उनके माता पिता हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे, पहला पॉइंट। तो यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा ये बच्ची ने वीडियो भेजा है, कल भी एक बच्ची ने भेजा था, उसी प्रकार खुद मेरे पास हज़ारों बच्चियों की लिस्ट है कि भाई हज़ारों बच्चियों का पहली बार सेना पुलिस में इन्होंने भर्ती देखी, फिजिकल मेडिकल हुआ और इनके भी टेस्ट कैंसिल कर दिए। वो बच्चियाँ दिल्ली नहीं आ सकती, आंदोलन में नहीं आ सकती। मुझे भी पता है कि हम ज़्यादातर गाँव से हैं, गाँव में सब मिडिल परिवार है, जो सोच है मुझे भी अच्छी तरह पता है, मैं भी गाँव से ही हूँ और 90% लोग गाँव से ही सेना में जाते हैं। तो वो लोग अपनी बच्चियों को आंदोलन में नहीं भेज सकते। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो जो कि सोशल साइट में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, वो कम से कम मेरे जो मैं अभी नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पर भेजो, ताकि सरकार को पता चले कि इसमें बच्चियाँ भी विरोध कर रही हैं। दूसरा, इनके माँ बाप, जो भी माँ बाप हैं उनमें कम से कम, खासकर उनकी माताएं जो आ नहीं सकती, वो इस तरह के छोटे छोटे वीडियो के जरिए मोदी जी से, राजनाथ जी से, राष्ट्रपति आज खुद देश की महिला हैं, उनसे अपील तो कर सकती हैं घर बैठे बैठे, ताकि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो भी बचा हुआ आर्मी एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग हो, उम्र सीमा में छूट मिले और ये हमारा सत्याग्रह, ये आंदोलन सफल हो, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना होगा, चर्चाओं में रहना होगा। आपको पता है सरकार लगातार भर्तियां करवा कर एक संदेश देना चाहती है कि भाई सभी लोग खुश हैं, पूरे देश इस स्कीम से खुश है, जबकि ग्राउंड की हकीकत कुछ और है। अभी तक जैसा कि मेरे पास जो अब पॉइंट आ रहे हैं कि पहले कहीं भी अग्निपथ की चर्चा हिंदुस्तान की, जो भी हमारी आर्मी की यूनिट है, एयरफोर्स की है, नेवी में है, कहीं भी इनकी चर्चा जवानों को नहीं की गई, अब हो रही है वहाँ चर्चा। जो मेरे, क्योंकि मेरे से ये जो चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इसमें ज़्यादातर जवान जुड़े हुए हैं, अब वहाँ चर्चा चल रही है और चर्चाओं में नतीजा यही निकल कर आ रहा है कि ना तो जवान, ना जेसीओ और ना ही अफसर इस स्कीम से खुश है, कोई खुश नहीं है, ये बात ध्यान रखो। अंदरूनी तौर पर चर्चाएं हो रही हैं कि शायद स्कीम भी वापस होगी और स्कीम में अगर हो ना हो, इसकी कमियां दूर करके कम से कम आर्मी एग्ज़ाम और ये जो ज्वाइनिंग है या उम्र सीमा में छूट है, ये सरकार को देना होगा। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है आप सबको सहयोग करने की। आप कहते हो सर बड़ा आंदोलन कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो। मैंने कल भी कहा था कि अगर रविंद्र फौजी अकेले के तोप चलाने से भी अगर फ़र्क पड़े तो दिल्ली में जाकर मैं तोप चला दूं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सब लोगों को जो मैं टास्क दे रहा हूं उसको कंप्लीट करो, हम पे विश्वास रखो कि हम कोई मूवमेंट करेंगे तो बड़ा करेंगे, शांतिप्रिय करेंगे और हमारे हक में फैसला आए, ऐसा हम काम करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे मेन ज़रूरत जो होती है कहीं ना कहीं तन मन धन। तो मैंने उस दिन भी कहा था, सबसे पहले आज मैं मेरा ये नंबर दे रहा हूँ, आंदोलन को एक महीने चलाने के लिए इन बच्चों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, जो नहीं आ सकते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि ये TOD चाहे वापस हो, चाहे इन बच्चों का एग्ज़ाम हो, इन बच्चों को इंसाफ मिले, वो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, सपोर्ट करें, फिर आगे की मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है
यही मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी है। इसके अलावा बहुत से लोग जो कहते हैं कि सर हमारे पास फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, तो उनके लिए ये मेरा अकाउंट नंबर है 612-642-33-600। SBI का अकाउंट नंबर है रविंद्र सिंह के नाम से, IFC कोड इसमें दिया हुआ है। बहुत से लोग बीच में कहते हैं कि भाई ब्रांच बताओ, तो ये नीचे इसमें गोवर्धनपुरा ब्रांच भी दी हुई है। यहाँ मैं एक बार फिर कह दूँ कि कोई भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत सबसे पहले होती है। कहते तो सर आज कोर्ट तारीख कितनी है, 25 अगस्त तक अगर हम इस आंदोलन को खींचते हैं 25 दिन, मिनिमम अगर हम 500,000 युवाओं से शुरुआत करते हैं तो दिल्ली का बोलते ना कि भूखे पेट तो फौज भी लड़ाई नहीं लड़ती, पेट भरा होगा तो हम चलेंगे। इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग आ सकते हैं, या तो भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि युवाओं को कह दो अपना अपना खाना ले आओ, अपना अपना खर्चा ले आओ, तो कौन युवा जो दूर दूर से दो दो दिन के रास्ते में आएंगे, वो तो अपना खुद ही रास्ते में ही खा जाएंगे, फिर वहाँ के क्या करेंगे? अगर वहाँ उनको खाना पानी नहीं मिलेगा कितने दिन बैठेंगे? रविंद्र फौजी दुनिया की तरह ये बकवासबाजी तो करता नहीं झूठी कि भाई मेरे इतने ट्रक हैं, फलाना है। मैं भी एक साधारण जवान हूँ, कोई टाटा बिड़ला की औलाद नहीं हूँ, ना मैं टाटा बिड़ला हूँ, जवान हूँ, 5 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ जवानों के लिए, और ये भी विषय कहीं ना कहीं सेना को कमज़ोर करने वाला, जवानों का मनोबल तोड़ रहा है और इन युवाओं के सपने तोड़े हैं, इसलिए मैं इस आंदोलन में कार्यरत हूँ। और अंत तक जैसा आप खाओगे, जैसा आप पियोगे, जैसा आप चलोगे, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो आ सकता है आओ, नहीं आ सकता है तो कम से कम सहयोग करो, वो चाहे इसमें पीड़ित हो या नहीं हो, देश के एक्सवरी इसमैनों को ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसमें आगे आइए। धीरे धीरे सरकार आज आपके इन बच्चों पर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसान जवानों के बच्चे हैं, ये बाहर के नहीं हैं, इनको विदाउट पेंशन देकर आउट करना या भर्तियों से दो दो तीन तीन साल की मेहनत से वंचित कराना, धीरे धीरे आज इसमें चुप हो, सरकार कल कुछ और करेगी, परसों कुछ और करेगी, धीरे धीरे आप सबकी पेंशन बंद हो जाएगी, फिर बोलोगे कि अब दिल्ली चलो, फिर कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आज मौका है, जो खासकर एक्स सर्विसमैन भाई आना चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कि हाँ भाई हम आएंगे, या सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करो, ताकि हम इस मूवमेंट को तेज कर सकें। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आज मिल रहा हूँ परमिशन के लिए, कहाँ कहाँ इस आंदोलन की आगे प्लानिंग बनानी है, दिल्ली में कब हम घुसेंगे, यहाँ से कब चलेंगे, तो वो सारी रूपरेखा के लिए सबसे पहले जो अड़चन आ रही है वो यही है कि हमारे पास एडम बंदोबस्त के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत से कह रहे हैं एकेडमी वालों से ले लो, कोई कह रहा है कांग्रेस वालों से ले लो, अगर हम किसी दूसरे कांग्रेस से मांगे कि एकेडमी वालों से मांगे, तो फिर वही पहले की तरह आंदोलन बिखरेगा, या फिर वो मंचाए जैसे अपने हिसाब से घुमाएंगे, तो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि युवाओं का आंदोलन है, इसमें ना तो कोई राजनीतिक हो, ना ही किसी का वर्चस्व हो, खुद का काम है, खुद करें, खुद बोलें और खुद सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और खुद लड़ें। हम आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, और कोशिश कर रहे हैं और एक्स सर्विस मैनों को जोड़ने के लिए। तो आप चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी लोगों को अवगत कराओ, और फिर कह रहा हूँ कि जो दिल्ली चलने वाले हैं इस नंबर पर मेरे नाम भेजते रहो, ताकि हमें पता चले कि इतने जा रहे हैं, इतने लोगों की हमें व्यवस्था करनी है और इतनी दूरी तक क्या क्या आगे करना है। बाकी की डिटेल आज मैं शाम को मिलकर आपको अवगत करा दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद टू ऑल। मैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की कैंडिडेट हूँ। मैंने 2019 में भर्ती देखी थी, उसमें मेरा फिजिकल मेडिकल क्लियर था, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम था जो कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, अभी सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। सो सरकार से यही विनती है कि आप हमारा एग्ज़ाम लीजिए। हमारा एग्ज़ाम हमने बहुत तैयारी की थी और ऐसे रद्द हो जाए तो हमारे लिए बहुत दुख भरी बात है। हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आप हमारा एग्ज़ाम लीजिए। सरकार हमारे लिए, हम सरकार से हैं, सरकार हमसे है, इसलिए कृपा करके हमारा एग्ज़ाम लीजिए। मोदी जी, सरकार, आर्मी चीफ्स को यही विनती है कि आप हमारा एग्ज़ाम लीजिए। आगे भी आप नई भर्ती करवाइए, बट हमारा एग्ज़ाम ज़रूर लीजिए। धन्यवाद।